हाँ जी, वीडियो वीडियो चल रहा है, सब लोग फटाफट से लाइव आ जाओ बेटा। हाँ जी, हेलो हेलो, कौन बोल रहा? हेलो, हाँ जी बेटा, जय हिंद। लाइव आ जाओ बेटा फटाफट से, आवाज आ रही है बेटा क्लियर? हाँ जी, सुकुमार, सुभी, अजितेश, महेंद्र, पुष्पा, सोनाली, मोनिका, जय हिंद बेटा, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद बेटा। हाँ जी, फटाफट से लाइव आ जाओ बेटा, है ना। और जितने भी आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रुप हों बेटा, सब पे क्या कर देना, एक एक बार सेंड कर दो, ताकि सब लोगों को। हाँ जी, हाँ ठीक है बेटा। हाँ जी, जय हिंद बेटा, सभी को जय हिंद। जितने लोग हैं बेटा, सभी लोग जुड़े फटाफट से, फिर अपन आज स्टार्ट करें। आज का जो आपका सेशन रहेगा, बहुत ही शानदार सेशन है बेटा आज का। आज से जो अपना सेशन चलेगा, वो पूरा का पूरा बहुत ही शानदार सेशन चलेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा। जैसे ही आज के क्वेश्चन आप देखोगे ना, तो आपको खुद समझ आ जाएगा बेटा कि आज के सेशन में इतना क्या खास होने वाला है। हाँ जी बेटा, ठीक है, जल्दी से लाइव आ जाएं बेटे जितने लोग हों। हाँ जी, 2-4-5 मिनट लगता है लाइव आने के लिए आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, इतना चलता है बेटा, है ना। आ जाओ फटाफट से। हाँ जी, हाँ जी बेटा, फटाफट से काम करो। मयूरी, आशु, आनंद, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, ड्रीम किंग। मयूरी, अजितेश, जय हिंद बेटा सभी को, जय हिंद। पाठक जी, गुड इवनिंग। मोनिका बेटे, प्रदीप, शिव कुमार, धीरज पाटीदार, आनंद यादव, सभी को बहुत बहुत जय श्री राम, जय श्री राधे, जय माता दी, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। हाँ जी बेटा, फटाफट से आ जाओ, ठीक है। एक दो मिनट अभी लगेंगे बच्चों को आने में, फटाफट से लाइक भी ठोकते चलो बेटा, और शेयर भी कर दो आपके पास जितने भी प्लेटफॉर्म होंगे बेटा। सब पे एक एक बार इसको क्या कर देना है बेटा, शेयर कर देना है। उसके बाद फिर आज का जो देखो बेटा, अब अपने के जितने भी टॉपिक थे, अपने टॉपिक क्या हुए बेटा, खत्म हुए। जितने भी टॉपिक थे, लगभग बायोलॉजी के सारे टॉपिक के मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं। आज से जो आपका स्टार्ट होने वाला है, आज से स्टार्ट होने वाला है बेटा, जितने भी पेपर आ चुके हैं, है ना, जितने भी पेपर आ चुके हैं 2013 से लेकर, 2013 से लेकर अभी तक के जितने भी पेपर आ चुके हैं, चाहे वो आपके डिफेंस से संबंधित हो, चाहे वो आपके एसएससी से संबंधित हो, चाहे वो यूपीएससी, चाहे एमपीएसआई, चाहे जिस भी ट्रेड का हो, एमटी। हाँ जी, क्या है ऋतिक यादव, जय हिंद बेटा। तो उनमें बायोलॉजी के क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं और कैसे आपको आंसर इसके फाइंड आउट करना है, सारे के सारे क्वेश्चन आंसर अपने को फाइंड आउट करना है ना। जितने भी अभी तक बेटा पेपर हुए हैं, सारे के सारे पेपर
अपने को यहाँ पर लगाना है। और एक एक क्वेश्चन से आप 5 आंसर मिलने वाले हैं, क्योंकि एक तो सही आंसर होगा। जय हिंद बेटा, राजपूत जी आ गए आप, अंशु शुक्ला, जय हिंद, जय हिंद बेटा सभी को। फटाफट से आज आपका जो सेशन स्टार्ट होने वाला पता है कौन सा है, पढ़ो आज क्या लिखा है ना, पढ़ो क्या लिखा है, क्या लिखा है, बायो वैक्सीन्स। सर हमारा कमेंट क्यों नहीं पढ़ते सत्यम ठाकुर? ऐसा नहीं है सत्यम, आपका कमेंट एक्चुअली आया ही नहीं, आपने भेजा क्या है? अगर आया है हाँ फटाफट से लाइक करते चलना है सभी लोगों। अभी आया है सर, मैथ की क्लास क्यों नहीं हो रहा है? बेटा मैथ की क्लास राहुल सर जैसे ही आएंगे वैसे ही हो जाएगी, क्यों टेंशन ले रहे हो आप बेटा, मैथ्स की भी होगी है ना। आज का जो आपका टॉपिक है वो बायो वैक्सीन है बेटा, बायो वैक्सीन मतलब जितने भी पेपर। पूजा पवार जय हिंद सर जी, जय हिंद बेटा पूजे, जल्दी आ जाओ। हाँ चल तो रही है मैथ्स की क्लास, अंशु बता दो। वंश सिसोदिया आ गए हैं, जय हिंद, जय हिंद बेटा वंश, शालिनी गोखले, जय हिंद। फटाफट से बेटा लाइव आ गए सभी लोग है ना, 2 मिनट और रुक जाओ, उसके बाद फिर अपन क्या करते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग फटाफट से एक एक बार लाइक कर दें बेटा, जितने लोग हैं बेटा फटाफट से एक एक बार लाइक कर दें। श्री गणेश कर दो सर, बिल्कुल धीरज पाटीदार, श्री गणेश करते हैं सर। सुना है 10 दिन का लॉकडाउन और हो गया बेटा, 10 दिन हो 10 महीने हो हमको क्या करना है, हमको तो अपनी पढ़ाई से मतलब है बेटा। 10 दिन का अगर कर रहे हैं तो वो अपने ही सुरक्षा के लिए कर रहे हैं है ना, उनको कोई मतलब थोड़ी है बेटा। हाँ जी हो गया, फटाफट से लाइक ठोकते चलो, 27-28 लोग लाइव हैं और लाइक भी इसी आए हैं बेटा, तो जितने लोग लाइव हों उतने तो लाइक कर ही सकते हो, उसके बाद तो आगे जो जुड़ता जाएगा वो लाइक कर दिया है। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जिन्होंने लाइक कर दिया है, और जिन्होंने नहीं किया वो फटाफट से आगे की तरफ लाइक कर दें। आज के 30 क्वेश्चन जो हैं जो आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बायोलॉजी से देखो कैसे क्वेश्चन बनते हैं और वैसे ही क्वेश्चन आपको। ठीक है चलें बेटा स्टार्ट करें, फिर स्टार्ट करें, एक एक बार बता दें मुझे आवाज क्लियर आ रही है ना आप लोगों तक बेटा। हाँ जी लाइक करते चलना है ना बेटा। चलो आज का क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा है आपकी स्क्रीन पर, आज का क्वेश्चन, और ये आपके क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम के क्वेश्चन हैं, CHSL SSC का क्वेश्चन है ये, 2017 जनवरी का CHSL का क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा सब कुछ क्लियर है, ओके चलें बेटा पहला आंसर लगाएं, क्या लिखा है, मधुमेह होने का कारण है, मधुमेह मतलब डायबिटीज किसके कारण होती है बेटा, ये पूछ रहा है कि डायबिटीज इज कॉज्ड बाय, डायबिटीज किसके कारण होती है? तो भाई साहब मैंने आपको बताया था कि डायबिटीज के लिए सबसे अच्छा आप याद क्या रखे रहना, कि डायबिटीज को कंट्रोल करने का काम कौन सा हार्मोन करता है, इंसुलिन हार्मोन करता है ना। अगर किसी की आपको शुगर या डायबिटीज कंट्रोल करना हो बेटा तो इंसुलिन हार्मोन लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है इंसुलिन का। अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन कम बनेगा तो कम क्या हो जाएगा, जो इंसुलिन हार्मोन करता क्या है, तो आप बता रहे थे ना कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करने का काम, किसमें बेटा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करने का काम किसका होता है, इंसुलिन का होता है। तो साहब अगर इंसुलिन ज्यादा होगा तो ज्यादा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज हो जाएगा है ना, और अगर इंसुलिन कम बनेगा तो कम आपका ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज होगा। तो अब आपको आंसर देना है बेटा, अब आपको आंसर देना है, क्या लिखा है, मधुमेह होने का कारण है, मधुमेह मतलब डायबिटीज, और डायबिटीज का मतलब शुगर का बढ़ना, और शुगर बढ़ती है तो किस कारण से बढ़ती है, ये मुझे आंसर चाहिए आपका। जय हिंद बेटा बुरिया जी, जय हिंद सभी को। बी बी किसी ने ए लगाया है, ए सुभी बुंदेला जी ने ए लगाया है, ऋतिक ने ए लगाया है, पूजा पुष्पा इन्होंने भी ए लगाया है, मयूरी ने ए लगाया है। हाँ जी बेटा आज ही स्टार्ट हुए, चंबल टाइगर ए, जिन्होंने ए लगाया है उनका सबका आंसर गलत है बेटा। देखो ये बताओ अगर इंसुलिन बेटा ज्यादा हो जाएगा है ना, क्या बोल रहा है, आप लोगों ने लगा है इंसुलिन की बहुलता, बहुलता मतलब कि एक्सेस ऑफ इंसुलिन, अगर आपका इंसुलिन ज्यादा हो जाएगा भाई साहब तो ज्यादा ग्लूकोज किस में चला जाएगा, ग्लाइकोजन में, मतलब खून में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, तो डायबिटीज कहां से हो जाएगा भैया
डायबिटीज तो शुगर के बढ़ने से होता है ना, और शुगर बढ़ेगा कब, जब इंसुलिन कम होगा, क्योंकि इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, तो इंसुलिन जितना कम होगा उतना कम ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलेगा। तो भाई साहब जितना कम इंसुलिन होगा उतनी ज्यादा शुगर हमारे ब्लड में रहती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, हाँ जी, लो प्रोडक्शन। कौन सा हो जाएगा, इंसुलिन का कम उत्पादन, लो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, है ना, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, बी हो जाएगा ना बेटा। फटाफट से सभी लोग लाइक करते चले और शेयर भी कर देना एक एक बार। क्या लिखा है, टेक्टोना गेंडिस लिन का वैज्ञानिक नाम है, ध्यान से सुनना बेटा। आज कम से कम 5 से लेकर 6 ऐसे क्वेश्चन है जिनके साइंटिफिक नेम पूछे गए हैं, जिनके क्या पूछे गए हैं, साइंटिफिक नेम पूछे गए हैं, यानी कि वैज्ञानिक नाम पूछे गए हैं। तो आप अगर एसएससी का एग्जाम दे रहे हो या और कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो आपको बॉटेनिकल नेम प्लस, बॉटेनिकल नेम प्लस, है ना, बॉटेनिकल नेम प्लस साइंटिफिक नेम, आपको ये याद होने चाहिए बेटा। वैज्ञानिक नाम और वानस्पतिक नाम आपको याद होने चाहिए। क्या लिखा है, टेक्टोना गेंडिस लिन का वैज्ञानिक नाम है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमरूद, सागौन यानी टीक, आंवला यानी कि आंवला, चिक यानी चीकू, है ना। हालांकि चिक नहीं है ये बेटा, चीकू है। क्या है ये, चीकू है। तो फटाफट से बताना बेटा, इनमें से 4 में से किसका साइंटिफिक नेम है टेक्टोना, टेक्टोना किसका साइंटिफिक नेम है। सी 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 जिन्होंने आंवला दिया है, आंवला दिया है, आंवला दिया है, आंवला दिया है। किन्होंने आंवला दिया भैया, बहुत लोगों ने आंवला दिया है। आंवला का पता है क्या होता है, फाइलेंथस एम्बलिका होता है, फाइलेंथस एम्बलिका होता है बेटा आमले का, है ना, फाइलेंथस एम्बलिका होता है। अच्छा गवावा का सुनो, गवावा का होता है सीडियम ग्वाइजाबा, आमला का होता है फाइलेंथस एम्बलिका, चीकू का होता है मोनालिका जपोटा, है ना, हाँ नहीं है जपोटा। तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं है। तो भाई साहब है क्या बेटा, सागौन। कौन सा है भैया, सागौन है, जिन्होंने बी आंसर दिया है। हाँ जिन्होंने बी आंसर दिया है, बिल्कुल सबका सही आंसर है, जिन्होंने बी आंसर दिया है सबका सही आंसर है, ठीक है ना। हाँ क्योंकि देखो अमरूद का तो आपको पता है कि अमरूद का मैंने अभी आपको बताया कि कौन सा होता है बेटा, सीडियम ग्वाइजवा। और अगर आंवला का पूछ ले तो आंवला का होता है फाइलेंथस एम्बलिका, और अगर चीकू का पूछे तो चीकू का होता है मनिलकारा जपोटा, मनिलकारा जपोटा, हाँ जी बेटा सबका सही है, जिन्होंने भी आंसर लगाया है ना इनके। अगर आपको साइंटिफिक नेम, देखो बेटे इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, इसको आपको रटना ही पड़ेंगे, वैज्ञानिक नाम इसके आपको रटना ही पड़ेंगे, है ना। फटाफट से लाइक करते चलो और जुड़ते चलो। हाँ ठीक है बेटा सही आंसर। बोलो, सी एनिमोन्स खालिस्तान प्रजाति के अंतर्गत है, सी एनिमोन्स बिलोंग्स टू द फाइलम, है ना। सी, हाँ जी सही, सी एनिमल्स की वो बात कर रहा है बेटा, ये एक जलीय जीव होता है। कैसा होता है बेटा, जलीय जीव होता है, जलीय जीव होता है, जलीय जी एक्वाटिक एनिमल्स होता है। वो इनमें से किसके अंतर्गत आता है, ऑर्थोफोडा निडेरिया पोरीफेरा मोलस्का, किसके अंतर्गत आता है। आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हैं, वंश लिखा है सर पापा को कोरोना हो गया है, इसलिए सबसे निवेदन है कि कोई बाहर ना जाए, हमेशा मास्क लगा के रखे, हाँ सैनिटाइजर का उपयोग करते रहे। कोई बात नहीं वंश, हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा तो आर्मी 21 है भाई। बेटा आप लोगों को घर से केवल उतना ही बाहर निकलना है जितना जरूरी है, हल्के में मत लो कोरोना को। आपको होश भी नहीं है कि कोरोना है क्या, जिस दिन इसकी पूरी एनाटॉमी पढ़ोगे ना आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए मास्क लगा के रखो, बेहतर है कि दूरी बना के रखो लोगों से, है ना, अपने घरों में रखो, और जितना ज्यादा है से ज्यादा हो सके बेटा सैनिटाइजर का उपयोग करो, खुदा ना खास्ता किसी को हो बेटा, है ना। जल्दी बोले बेटा इसका आंसर, आर्थ्रोपोडा निडेरिया पोरीफेरा और मोलस्का, इसका आंसर बोले बेटा। हाँ जिन्हों डी 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 गलत है आंसर बेटा, डी गलत है। आप सुनना ध्यान से, आर्थोफोडा पोरीफेरा और मोलस्का, मैंने आपको बोला था कि जितने भी बेटा जलीय जीव होते हैं, मोस्टली जलीय जीव, मैं मोस्टली की बात कर रहा हूँ, है ना। हाँ जी बेटा कोई बात नहीं, अच्छे हो जाएंगे पापा जी, डोंट वरी, है ना बेटा। जितने भी जलीय जीव होते हैं वो निडीरिया के अंतर्गत ही रखे जाते हैं। किसके अंतर्गत रखे जाते हैं, निडीरिया के। अब ऐसा नहीं है कि सारे जलीय जीव, कुछ मोस्टली जलीय जीव होते हैं वो किसके अंतर्गत रखे जाते हैं, निडीरिया के। पोरीफेरा के अंतर्गत वो जानवर रखे जाते हैं बेटा, वो एनिमल्स रखे जाते हैं जिनकी बॉडी पर बेटा छोटे छोटे पोरस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं,
है ना। मोलस्क आपको पता ही है और आर्थ्रोपोड आपको पता ही है। ये जिस दिन मैंने आपको एनिमल किंगडम पढ़ाया था, ये सारी चीजें आपको बताई थी वहां पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा। चले बेटा इसका आंसर बताना, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे आम जलकुंभ भी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज कॉमन वॉटर हाइसिंथ, है ना, यानी जलकुंभ, आम जलकुंभ किसे कहा जाता है? इन चारों में से आम जलकुंभ की बात करें तो किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज सिंह पंवार। केमिस्ट्री कब से चालू होगी जो बाकी है बेटा? होगी, बिल्कुल होगी, है ना। फटाफट से इसका आंसर दो बेटा, इसका आंसर देने की कोशिश करो बेटा। इसका आंसर क्या लिखा है? किसी ने इसका आंसर दिया है सी, एजिलोप्स। बेटा एजिलोप्स को गॉट ग्रासेस कहा जाता है, इसका दूसरा नाम होता है बेटा गॉट ग्रासेस, गॉट ग्रासेस कहा जाता है, है ना, गॉट ग्रासेस कहा जाता है। तो इसका दूसरा नाम तो हो नहीं सकता। और किसी ने लगाया है डी, डी अंजलि, अर्जुन, पुष्पा, शालिनी, सोनाली, महेंद्र। ठीक है बेटा, अगर जिस ए जिसने सोनाली पटेल ने बेटा ए लगाया है, ए में क्या दिया गया है? पिस्टिया। क्या दिया गया है? पिस्टिया। पिस्टिया के तो बहुत सारे नाम है बेटा। इसको बोला जाता है वाटर कैबेज, वाटर लेटिट्यूस, नील कैबेज, है ना। इसको पता किसके नामों से जाना जाता है बेटा? इसको बोला जाता है वाटर कैबेज, है ना, इसे बोला जाता है नाइल कैबेज, नाइल कैबेज बेटा। इसको बोला जाता है लेटिट्यूस, लेटिट्यूस। ये सारे नाम पिस्टिया के हैं, तो पिस्टिया नहीं हो सकता है, मतलब ए और सी तो हो नहीं सकता है। अब बचा है दूसरा और चौथा, तो फटाफट से या तो बी होगा या डी होगा। समरजीत जयहिंद बेटे, हाँ जी। अच्छा, ओपेंसिया का, ओपेंसिया का बेटा भी दूसरा नाम है, इसे ट्यूना बोला जाता है, सबरा बोला जाता है, नोपल बोला जाता है, टूना, सबरा, नोपल, इसका भी दूसरा नाम, इसे टूना, इसे सबरा, इसे नोपल, ये चीज कही जाती है बेटा, इसके दूसरे नाम है। तो बेटा ये जो नाम होता है किसका होता है? सबसे लास्ट वाले का, डी ऑप्शन, जिन्होंने डी लगाया है बेटा, एग्जैक्ट डी सबका सही है। हेमो हो गया, अजितेश हो गया, पुष्पा हो गया, इसमत हो गई, राधिका हो गई, अंशु हो गया, किरण धाकड़ जी हो गए, हाँ जी बेटा, सबका आंसर सही है। जिन्होंने डी आंसर लगाया है, जिन्होंने डी आंसर लगाया है, उन सबका आंसर क्या है? सही है। जयंत बेटा, है ना, ठीक है। अब देखो, मैंने बोला पिस्टिया का दूसरा नाम क्या है, तो पिस्टिया का दूसरा नाम है बेटा वाटर कैबेज, नाइल कैबेज, लेटिट्यूस। और अगर आप ओपेंसिया का दूसरा नाम पूछे तो बेटा होता है ट्यूना, सबरा, नोपल, है ना। और एजिलोप्स का नाम होता है बेटा गॉट ग्रासेस। और अगर आपसे पूछे कि आम जलकुंभ किसका नाम है, तो आम जलकुंभ नाम है आपका इकोर्निया का। किसका होता है बेटा? इकोर्निया का होता है। पूजा गुर्जर, जयहिंद, जयहिंद बेटे, हाँ जी, ठीक है बेटा, ओके। अब देखो बेटा, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। क्या होते हैं बेटा, बायोलॉजी में कुछ टर्मोलॉजी होती है जो हार्ड होते हैं, ये आपको बेटा याद करने ही पड़ेंगे, रटना पड़ेंगे, है ना। अगर मुझे याद हुए हैं बेटा, तो आपको भी ये याद होंगे, डोंट वरी। चलें बोले बेटा, ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप उठा के देख लो सीएचएसएल का पेपर। नेक्स्ट क्या लिखा है? मानवों में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? अब जल्दी बता देना। लिखा है विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? अभिषेक द्विवेदी, जयहिंद सर, जयहिंद मेरे भाई अभिषेक। जलकुंभ क्या होता है? ड्रीम किंग बेटा, जो जलकुंभ होता है ना, जलकुंभ आप नेट में डालो, ये एक एक्वाटिक प्लांट होता है। इसमें सबका आंसर ए आया है, स्किन, हाँ जी, हाँ जी। ड्रीम किंग का स्किन, किसी का सी आ रहा है, किसी का डी भी आ रहा है बेटा। डी और सी जिसका आ रहा है, देखो बेटा गलत है, है ना, ध्यान से सुनना, है ना। अब सुनो ध्यान से, अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी आंत कौन सी होती है, इंटेस्टाइन, है ना, आंत को होती है, तो सबसे बड़ी अगर आंत की बात करें, सबसे बड़ी आंत, सबसे बड़ी आंत, तो सबसे बड़ी आंत होती है बेटा छोटी आंत। फिर आपसे बोले सबसे चौड़ी आंत, सबसे चौड़ी आंत, तो बेटा चौड़ी कौन सी होती है? बड़ी आंत।
अगर चौड़ी की बात करें तो कौन सी होती है बेटा, बड़ी आंत। फिर आपसे पूछे लीवर क्या होता है, तो आपको बोलना है लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, है ना, यानी सबसे बड़ा आंतरिक अंग, सबसे बड़ा, एक मिनट, बड़ा की जगह बेटा अगर आप भारी लिख लो ना तो बेहतर रहेगा, हैवी, हैवी, सबसे बड़ा या सबसे भारी आंतरिक अंग, आंतरिक अंग, ठीक है। तो कौन सा शरीर के अंदर सबसे बड़ा कौन सा होता है बेटा, लीवर। अगर पूछे कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तब भी आपको सबसे बड़ी ग्रंथि में क्या लिखना है, लीवर। लेकिन उसने केवल इतना पूछा है कि सबसे बड़ा अंग, तो सबसे बड़ा अंग बेटा आपका होता है स्किन, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, ए हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी बेटा, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से बेटा आंसर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलोनिक्स रजिया राफिन, डोलोनिक्स रजिया राफिन का वैज्ञानिक नाम क्या है, डोलोनिक्स रजिया राफिन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, किसका वैज्ञानिक नाम है डोलोनिक्स रजिया राफिन, जल्दी बता दो। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, ये वैज्ञानिक नाम किसका है, वैज्ञानिक नाम किसका है, तो जरा बताना बेटा वैज्ञानिक नाम किसका है। राहुल जायसवाल का ए आया है, अंशिका गुर्जर का बी आया है, अर्जुन का भी बी आया है, बनियान, गुलमोहर, इमली और चीकू, है ना बेटा। फटाफट से बता दो किसका साइंटिफिक नेम यहाँ पर लिखा है डोलोनिक्स रजियर, है ना, राफिन, जल्दी बोले किसका है। तो जिसने बेटा बी आंसर लगाया है, बी मतलब गुलमोहर, उसका सही आंसर है, उसका है क्या है बेटा, सही आंसर है। अगर आपसे वैज्ञानिक नाम पूछ लिए जाए तो बेटा आपको वैज्ञानिक नाम यानी हाउ कंडीशन में क्या करना है, रटना है। शुभम यादव जी, जय हिंद शुभम भैया, है ना। चले, हिमांशी का भी है, हेमू का भी, शाशाराम का भी, विष्णु का भी, अजय का भी, पूजा का भी, अंशु का भी, अर्जुन का भी, वंश, स्वाति, हाँ हाँ ठीक है बेटा, क्या बात है, शब का भी है, शब का भी है। अगर आपसे पूछ ले बताओ कि बनियान यानी बरगद का क्या है, तो बरगद का होता है बेटा फाइकस बेंगालेंसिस, कौन सा होता है बेटा, फाइकस बेंगालेंसिस। अगर इमली का पूछे कि तारामीन का कौन होता है, तो आपको बोलना है तामारिंडस इंडिका। फिर आपसे बोले कि चीकू का क्या होता है, तो चीकू का होता है बेटा मनिलकारा जो, क्यों हंस रहे हो भैया, रुक जाओ, है ना सर जी, ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा प्लीज बेटा। हाँ हाँ बिल्कुल, ग्रुप में सेंड कर दूंगा। चीकू का अगर कोई आपसे पूछा होता है तो बोलना है कि मनिलकारा जपोटा, मनिलकारा जपोटा। अरे ये बहुत उल्टे सीधे नाम है बेटा, बहुत उल्टे सीधे नाम है, इनको लिख लिख के रटना पड़ेगा, इनको क्या लिख लिख के रटना पड़ेगा हमको, है ना बेटा। चले, इसका नेक्स्ट का आंसर बताएं, ये तो बनना चाहिए क्वेश्चन आपसे, ये बताओ इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बेस्ट मेडिटेशन रिलैक्स म्यूजिक। रिया सिंह, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा रिया। किसने रखे हैं ऐसे नाम, पता नहीं बेटा, जिसने भी रखे हो, हाँ ऊट पटांग नाम है, बिल्कुल सही है, ऊट पटांग है, लेकिन याद तो करना पड़ेंगे ना, सिलेक्शन चाहिए। अब बताओ अमीबा प्रजाति के अंतर्गत आता है, अमोइबा बिलोंग्स टू द फाइलम, कौन से फाइलम के अंतर्गत अमोइबा आता है। मैं आपके, हाँ जी बेटा, मैं आपके हिंट के लिए बता रहा हूँ, इसी के अंतर्गत प्लाज्मोडियम आता है, इसी के अंतर्गत अमोबा अमीबा आता है, इसी के अंतर्गत पैरामीशियम भी आता है, इसी के अंतर्गत युगलिना भी आता है, बता दे बेटा, ए ए ए ए ए ए ए ए क्या बात है। हाँ जी बेटा बिल्कुल सही है, सबका सही है, जिन्होंने ए आंसर दिया है ना उनका सबका आंसर क्या है, सही है, है ना। जो प्रोटोजोवा होता है, चाहे वो अमीबा की बात करे, चाहे वो पैरामीशियम की बात करे, है ना, पैरामीशियम की बात करे, चाहे आपका युगलिना की बात करे, युगलिना, ये तीनों होते हैं बेटा फ्री पैरासाइट होते हैं, फ्री प्रोटोजोवा होते हैं ना। इसके बाद फिर होता है, और आगे पूछे तो हिस्टोलाइटिका होता है बेटा, हिस्टोलाइटिका होता है, और होता है बेटा प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम होता है। तो ये सारे नाम किसके बेटा, प्रोटोजोवा के अंतर्गत रखे जाते हैं, है ना, ठीक है। आ जाओ भाई साहब, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बता दो अब, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। ये चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बताया है कि किसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, कौन से विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है।
कौन से विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? अगर उस विटामिन की कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। फटाफट से बताना भाई साहब। बी 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 किसी का के, अच्छा के लिख रहे हो ना। हिमांशी, अंजलि, हेमू, राधिका, अंशिका, धाकड़ साहब, अंजलि, समरजीत, वंश, विष्णु, अंजलि, स्वाति, भूरिया साहब, के। बिल्कुल सही बात है ना। देखो तुम लोग कितने होशियार हो गए। तो भाई साहब बता दो, अगर विटामिन के सी की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा? विटामिन सी की कमी से आप लिख देना स्कर्वी। कौन सा रोग हो जाएगा बेटा? स्कर्वी। विटामिन ई की कमी हो जाती है तो फर्टिलिटी घट जाती है, मतलब बांझपन आने का डर होता है फीमेल्स में और मेल्स में, दोनों में बांझपन यानी कि बांधता का डर रहता है ना भाई साहब। चलो, विटामिन B12 में अगर पूछे कि कौन सी धातु होती है तो आपको बोलना है कोबाल्ट धातु। कोबाल्ट धातु कौन से विटामिन पाई जाती है? विटामिन B12 में। B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल, है ना, साइनोकोबाल्मिन। क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन। और साइनोकोबाल्मिन होता है तो इसमें कोबाल्ट मेटल होती है भाई साहब। विटामिन ई को और नाम से जाना जाता है, इसे खूबसूरती का विटामिन भी कहा जाता है। इसे खूबसूरती का विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ई को। विटामिन के से क्या होता है? अगर के की कमी हो जाती है और रक्त का थक्का नहीं जमता है। चलो बहुत अच्छी बात है। चले नेक्स्ट बताएं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बोले बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बोले, पेड़ों में ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रतिक्रिया को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन प्लांट्स इज नोन एज। पौधों में ऊर्जा अगर बनती है तो उस किस प्रोसेस के द्वारा बनती है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन, दूसरा है अवकरण यानी कि रिडक्शन, तीसरा है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, और नंबर 4 है वाष्पीकरण यानी कि ट्रांसपरेशन, या इसको ट्रांसपिरेशन भी बोलते हैं। तो जो भी आप बोलना चाहो बेटा फटाफट से इसका आंसर बताना, फटाफट से इसका आंसर बताना। सी 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 सी। अरे वाह बेटा, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कौन सा होता है बेटा? सी, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के कारण यानी प्रकाश संश्लेषण के कारण पौधों के अंदर किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है ना बेटा। वाष्पीकरण क्या होता है जरा बता दे मुझे बेटा। वाष्पीकरण क्या होता है कोई बता सकता है? तो आप बोलोगे जमीन की सतह से, जमीन की सतह से है ना, पानी का जल वाष्प के रूप में ऊपर की तरह उड़ना यानी हानि होना वाष्पीकरण कहलाता है। जमीन की सतह से, है ना। अगर पौधों के ऊपरी पार्ट से बोले, पौधों के ऊपरी पार्ट से बोले तो इसी को ही अपन बोल देंगे फिर क्या, अपन उसको बोल देंगे क्या, रिस्पायरेशन। क्या बोल देंगे? रिस्पायरेशन या ट्रांसपायरेशन? वाष्पीकरण। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, किस वायरस के कारण चेचक होता है ना बेटा? हाँ, आपको चेचक बताना है कि किस वायरस के कारण बेटा चेचक होता है। जल्दी बोले बेटा। किसी का ए आया, किसी का डी आया बेटा, रुबेला वायरस के कारण। दूसरा ऑप्शन में दिया गया हर्पिस जोस्टर वायरस के कारण, तीसरा है रेबीज के कारण, और फोर्थ आपका क्या है? वेरियोला वायरस के कारण। किस वायरस के कारण चेचक होता है? विच वायरस कॉज चिकन पॉक्स? चिकन पॉक्स है ना, अगर हिंदी नहीं पढ़ना हो तो इंग्लिश में देखो चिकन पॉक्स। अच्छा मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए बताता हूँ एक चीज, है ना। जो वेरियोला वायरस होता है इसके कारण होते हैं बेटा स्मॉल पॉक्स। कौन होती है? स्मॉल पॉक्स। तो ये तो हो नहीं सकता, है ना। रेबीज किसके कारण होता है? तो चाहे कुत्ता काट ले, चाहे बिल्ली काट ले, चाहे सियार काट ले, सियार चाहे भेड़िया काट ले, है ना, चाहे बंदर काट ले, इन सबके काटने से रेबीज फैलता है बेटा। फिर आगे आ जाओ, हर्पिस जोस्टर वायरस और रूबेला। अच्छा रूबेला वायरस तो होता है बेटा जर्मन खसरा, जर्मन मीजल्स बीमारी होती है ना, यानी जर्मन खसरा। तो एक ही बच रहा है, कौन सा बेटा? हर्पिस जोस्टर वायरस। हर्पिस जोस्टर वायरस, इसी के कारण ही कौन सा रोग होता है बेटा? चिकन पॉक्स। इसी के कारण कौन सा होता है? हाँ जी, चूहा भी, बिल्कुल सासाराम,
इसमें चूहा भी होता है, चूहे के काटने से भी आपका रेबीज फैल जाता है, आदमी पागल हो जाता है, आदमी क्या हो जाता है बेटा, पागल हो जाता है। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। जिन्होंने बी आंसर दिया है सबका सही है, जिन्होंने बी आंसर दिया है, एग्जैक्ट बेटा, क्या बात है, सबका आंसर सही है ना। चले आ जाए क्वेश्चन नंबर 11 में, पढ़ो क्या लिखा है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, ये तो बनना ही चाहिए ना, ये तो बनना ही चाहिए कि मानव शरीर में टोटल कुल कितनी हड्डियां होती हैं। भाई साहब बताना मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, इसका आंसर बोले बेटा 206, 103, 309, 412। मोबाइल में ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही है अर्जुन राजपूत, क्यों नहीं चल रही भाई अर्जुन? हाँ जी हाँ जी, सबको पता है 206 होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। मानव शरीर में कितनी होती है, 206। अगर बच्चों की पूछ लेता बच्चों में कितनी होती है, तो बेटा होती है 314 तक हायर जाती है। ऑप्शन में 313, 307 या 300 दिए रहता है, कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम 314 तक जा सकती है, मैक्सिमम 314 तक जा सकती है। ठीक है भाई साहब, आगे आओ पढ़ो क्या लिखा है। एम्बिलिका ऑफिसनेलिसिस का वैज्ञानिक नाम है, किसका वैज्ञानिक नाम है? एम्बिलिका ऑफिसनेलिसिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, अभी मैंने बोला था एम्बिलिका, अगर किसी को याद हो तो एम्बिलिका मैंने बोला था किसका नाम है, अगर किसी ने थोड़ा सा भी अगर जल्दी बोले बेटा सवास बेटा, जिसने आमला लिखा है ना, आमला किसने दिया है सबसे पहला आंसर? पुष्पा सूर्यवंशी ने, क्या बात है बेटा, जिसने आंवला का आंसर लगाया है उनका सबका आंसर कैसा है, सही है, सही है बेटा, है ना। क्योंकि अगर आपसे पूछे कि देखो पीपल का क्या होता है, तो बेटा पीपल का होता है फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस रिलीजियोसा, ठीक है। अगर आपका मैंगो का पूछे तो मैंगो का होता है मैंजीफेरा इंडिका, और अगर आपका ये जो लिखा है ना ड्रम स्टिक, ड्रम स्टिक का मतलब समझते हो ना बेटा, इस सहजन समझते हो ना, जो फली होती है ना बड़ी बड़ी हरी हरी टाइप की फली आती हैं, ऐसे हरी हरी टाइप की फली आती हैं ना, हरी हरी टाइप की क्या आती है बेटा, फलियां आती हैं ऐसे, इसमें बीच बीच में बीज भरे रहते हैं, इसको हमारे बुंदेलखंड में मुनगा बोलते हैं, मुनगा, बुंदेलखंड में इसको मुनगा बोलते हैं, है ना। और यहाँ पर सहजन बोला जाता है, उसको सहजन बोला जाता है, यहाँ इंदौर में शायद उसको सहजन ही कुछ ऐसा बोला जाता है ना इसको, हाँ सर्जना की फली, एग्जैक्ट समरजीत, एग्जैक्ट बिल्कुल सही बात है ना। अगर इसका पूछे कि इसका बेटा बॉटनिकल नेम क्या होता है, इसका बॉटनिकल नेम होता है मोरिंगा ओलियोफेरा, मोरिंगा ओलियोफेरा, हाँ जी बेटा। तो बेटा जो आपका एम्बिलिका दिखाया गया है, एम्बिलिका किसका है बेटा, आंवले का है, पीपल का आपको पता ही है, मैंगो का मैंने बताई दिया, सहजन का आपको बताई दिया, बचा क्या आंवला, तो आंवले का क्या हो जाता है, ये बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम हो जाता है। देखो चार क्वेश्चन हो गए साइंटिफिक नेम के, याद रखे रहे ना। हाँ सावली की फली, बिल्कुल सही है अर्जुन, सावली की फली बुंदेलखंड में भी मुनगा बोला जाता है, हाँ जी बिल्कुल बुंदेलखंड में मुनगा बोला जाता है। ड्रीम किंग आप बुंदेलखंड से हो क्या? क्या लिखा है, स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? स्पंज बिलोंग्स टू फाइलम। अभी देखो मैंने बोला था ना कि ऐसे जानवर, अभी अगर किसी ने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया हो मेरे भाई मेरे बच्चों, अगर किसी ने दिमाग लगाया हो तो इस तरीके की मेरे संरचना बनाई जाती है। तो ऐसे जानवर जिनके ऊपर ये स्पंज पाए जाते हैं, ये स्पंज यानी स्पोर पाए जाते हैं, तो भाई साहब उनको किसके अंतर्गत रखा जाता है जरा बताना बेटा, जरा बताना इसको, जरा इसका आंसर बताना। बी 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 नहीं बेटा, एनीलिडा में तो वो रखे जाते हैं जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, सेगमेंटेड मतलब खंडों में विभाजित होती है, खंडों में विभाजित होने का मतलब जैसे केचुआ, जैसे केचुआ, तो केचुआ एनीलिडा में आ जाता है, प्रोटोजोबा ये है नहीं। अब दो बचाए बेटा, या तो निडीरिया या पॉलीफेरा, या तो निडीरिया बचा या पॉलीफेरा बचा, बिल्कुल बेटा पॉलीफेरा, क्योंकि पॉलीफेरा में देखो पूरी, पूरी का मतलब होता है पोरस, और उसी पोरस को अपन क्या बोलते हैं बेटा, स्पंज बोलते हैं, उसी पोरस को क्या बोला जाता है बेटा, स्पंज बोला जाता है, उसी पोरस को क्या बोला जाता है, स्पंज बोला जाता है। तो ये किसके अंतर्गत रखे जाते हैं बेटा, पॉलीफेरा के अंतर्गत रखे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ,
पढ़ें बेटा क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, निम्नलिखित में से हीमोफीलिया का लक्षण कौन सा है। हीमोफीलिया बीमारी आप बहुत अच्छे से जानते हो, हीमोफीलिया बीमारी पढ़ा पढ़ा के मैं हर एक बैच में पढ़ा पढ़ा के परेशान हूँ इस बीमारी को, तो फटाफट से इसका आंसर बता दें बेटा क्या लिखा है। निम्नलिखित में से हीमोफीलिया का लक्षण कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिम्टम्स ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का सिम्टम्स क्या होता है बेटा, रतौंधी तो बेटा किसके कारण होती है, विटामिन ए की कमी के कारण है ना। रिकेट्स हो गया, रिकेट्स किसके कारण हो गया बेटा, रिकेट्स कोई बता सकता है कि रिकेट्स किसके कारण होता है बेटा, विटामिन डी के कारण है ना। और फिर क्या लिखा है, हीमोग्लोबिन की अल्पता, अल्पता मतलब कम होना, हीमोग्लोबिन कम होना, तो ये हो नहीं सकता बेटा, तो एक ही आंसर बचा है रक्त का थक्का ना जमना। देखो हीमोफीलिया बीमारी कल भी परसों भी मैंने बताई थी ना, इसे रॉयल डिसीज यानी कि शाही बीमारी भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले रानी विक्टोरिया की फैमिली में हुई थी, और इस बीमारी को बोला जाता है बेटा क्रिसमस फैक्टर बीमारी। इसको क्या बोला जाता है बेटा, क्रिसमस फैक्टर बीमारी कहा जाता है, ठीक है ना। ओके चलो आ जाओ, तो कौन सा हो जाता है रक्त का थक्का ना जमना ही कौन सी बीमारी होती है, हीमोफीलिया। यह एक जेनेटिक बीमारी होती है जो माँ बाप से बच्चों में जाती ही जाती है, और लगातार 7 पीढ़ियों तक तो होना ही होना है, इसको 7 पीढ़ियों तक होना ही होना है। चले बेटा आंसर बोले, पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रतिक्रिया को के नाम से भी जाना जाता है, वो इसका आंसर पूछ रहा है। सीधी सीधी बात सुनना, एक मान लो ये कोई पौधा है और ये कोई ये दूसरा पौधा है, इस पौधे में लगे हैं मेल फ्लावर और इस पौधे में लगे हैं फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, तो मेल फ्लावर के एंथर से पोलिन ग्रेन निकलकर फीमेल फ्लावर के फिलामेंट तक यानी स्टिग्मा तक, स्टिग्मा तक अगर पक्षियों के द्वारा जाते हैं, तो पक्षियों के द्वारा अगर जाते हैं, जैसे पक्षी पहले इस फूल पर बैठा और इस फूल से उड़कर इस फूल पर बैठा, तो उस विधि को क्या कहा जाता है, उस विधि को क्या कहा जाता है। आपके सामने अगर अच्छे से ऑप्शन पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा, अगर अच्छे से भी ऑप्शन पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। योगी जी जय हिंद बेटा। हाँ ठीक है बेटा, देखो हाइड्रोफिली का मतलब होता है बेटा पानी, तो पानी में तो ये हो नहीं रहा है ना। एंटोमोफिली का मतलब होता है बेटा कीटों द्वारा, कीटों द्वारा, पक्षियों द्वारा नहीं, कीट, कीट यानी इंसेक्ट द्वारा, तो वो एंटोमोफिली। एम्ब्रियोफिली का मतलब होता है एम्ब्रियो द्वारा, एम्ब्रियो मतलब भ्रूण के द्वारा, तो भाई साहब भ्रूण के द्वारा भी तो नहीं पूछ रहा है ना। एनर्थियोलॉजी यानी ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी को ही बोला जाता है पक्षियों का अध्ययन करना, पक्षियों का अध्ययन करना, तो जिन्होंने डी आंसर लगाया है त्रिपाठी जी, ज्ञानो त्रिपाठी जय हिंद बेटा, है ना, उनका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑर्निथोफिली। चले नेक्स्ट क्या लिखा है, मकड़ी किस प्रजाति के अंतर्गत आती है। मकड़ी मतलब वो स्पाइडर की बात कर रहा है बेटा, स्पाइडर की बात कर रहा है, स्पाइडर की बात कर रहा है, तो फटाफट से इसका आंसर बताना, फटाफट से इसका आंसर बताना जरा। हाँ जी बेटा जल्दी बताएं इसका आंसर। क्या आ रहा है इसका आंसर, मकड़ी किस प्रजाति के अंतर्गत आती है। डी 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 में क्या लिखा है, ऑर्थोपोडा, क्या बात है, सही है बेटा डी, जिन्होंने ए ए वाले गलत है बेटा, हेमो और पूजा ये बेटा गलत है, और सीव जिसने लगा है वो गलत है। नेडीरिया में पानी वाले आते हैं बेटा, आपको बता दिया, नेडीरिया में पानी वाले आते हैं साहब। एनिलिडा में आपके केचुआ वगैरह आते हैं। मोलेशिका तो आपको पता ही है कि मोलेशिका क्या है, आर्थोफोडा ही होता है, जिसके अंतर्गत किसको रखा जाता है बेटा, मकड़ी को रखा जाता है, मकड़ी को रखा जाता है ना भाई साहब। चले बोले नेक्स्ट क्वेश्चन 17, केले की झाई पौधों की एक बीमारी है ना, केले के अंदर झाई जैसी पड़ जाती है, वो केले की एक बीमारी होती है बेटा, उस किसके कारण होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है, वायरस, फंगस, बैक्टीरिया और इंसेक्ट। बनानाज फ्रेंकल इज अ प्लांट डिसीज, इट इज कॉज्ड बाय आ, किसके द्वारा होती है केले में जो बीमारी होती है बेटा, केले में जो एक बीमारी आपके सामने लिखी है, ये 4 में से वायरस, कवक, बैक्टीरिया और कीटक, कीटक मतलब हाँ जी कीटों के द्वारा है ना, तो किसके द्वारा बीमारी होती है, इसका जरा आंसर बताना बेटे।
नहीं, बेटा यह एक फंगस वाली बीमारी है। कौन सी बेटा वाली है? फंगस वाली बीमारी होती है, ठीक है। हाँ जी, बीफ। ठीक है बेटा, बी 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 डी नहीं बेटा, बी कमलेश जी, बी बी है ना, बी यानी कि कवक के द्वारा, फंगस के द्वारा, ठीक है बेटा। हाँ जी, केले की एक बीमारी है। ये आपके पूछे गए 2017 के सारे क्वेश्चन में उठा रहे हूँ। क्या लिखा है आपके सामने? नेक्स्ट लिखा है, निम्नलिखित में से भारतीय मिर्चियों में से कौन सी मिर्ची विश्व की सबसे तीखी मिर्चियों में से एक मानी जाती है? बताना बेटा, आपके सामने चार मिर्ची दी गई हैं। इन चार मिर्ची में से कौन सी ऐसी मिर्ची है जो सबसे ज्यादा तीखी होती है? मान जाएंगे बेटा अगर बता दिए तुमने तो। आपकी हिंट के लिए बताए दे रहा है, एकदम छोटी आती है ना, ऐसे गोल गोल करके आती है एकदम, अगर उसका एकदम ऐसे ऐसे करके गोल गोल सी मिर्ची होती है, वो एकदम गोल गोल सी मिर्ची होती है ना, एकदम गोल गोल सी मिर्ची है, बहुत ही खतरनाक मिर्ची होती है। अगर जो ज्यादा मिर्ची खाने वाला हो ना, उसी को दे देना, है ना। उसका कलर हल्का सा पहले रेड होता है, और कभी कभी इसका कलर ना डार्क रेड होता जाता है, डार्क रेड एकदम से खून के जैसा कलर होता जाता है इस मिर्ची का। इन्होंने सबने आंसर गलत दिया है, किसी एक का आंसर आया है अंजलि चौहान का सही। अंजलि चौहान ने आंसर सही दिया है, बाकी सबने गलत दिया है। लाल चीटिन तुमने लिखा है, मुझे पता था लाल बोलूंगा तो लाल चीटिन याद रखोगे। अंजलि बस ने आंसर सही दिया है बेटा, हमारे यहाँ सर ये वाली मिर्ची। बेटा आप कहाँ से हो? ड्रीम किंग, ड्रीम किंग कहाँ से हो बेटा आप? आपके यहाँ अगर ये मिर्ची है तो बहुत अच्छी बात है ना साहब। पहला आंसर है कौन सा? भूत झोल किया। चले बेटा कोई दिक्कत नहीं, है ना, ये सबसे खतरनाक मिर्ची है, झोल किया। इसको हल्के में मत लेना, है ना, जो ज्यादा मुंह चलाता हो ना यहीं खिला देना, ज्यादा मुंह चलाते हो तो यहीं खिला देना। चले बोले बेटा नेक्स्ट। सर मैंने पहले ही बोला था, ठीक है बेटा बोले। आंसर क्या लिखा है? मस्तिष्क ज्वर नामक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? देखो बेटा, ब्रेन फीमर एक बहुत ही गंदी बीमारी होती है ना, ब्रेन में अगर फीवर आ गया ना तो बहुत ही गंदी बीमारी होती है, ध्यान रखना। इसमें ऐसा बोला जाता है कि अगर जो इसमें इलाज सक्सेसफुल हो गया है, इट मीन्स आप बोल सकते हो कि उसने दोबारा से जन्म लिया है। हाँ जी बेटा, दोबारा से जन्म लिया है, ये बड़ा खतरनाक नाम है। फटाफट से बोले बेटा इसका आंसर। फ्लाइज, बिल्कुल गलत, फ्लाइज बिल्कुल गलत, ए मक्खियां, फ्लाइज बिल्कुल गलत। मक्खियों के काटने से ऐसा होता है तो तुम लोगों तो दिन भर मक्खियां काटती हैं, तुम लोगों तो कुछ नहीं हो रहा है भैया। ए जिन्होंने लगाया वो सीधा सीधा गलत है। लो मैं पहले ही गलत कर दिया। अब और बोलो, है ना, फ्लाइज के काटने से केवल ट्रांसमिटेड होती है भैया। हाँ, अब सी लगा है, सी में वायरस लिखा है, लो मैं वायरस हटा देता हूँ, वायरस मैंने हटा दिया, ये भी गलत है। अब बोलो, या तो बी होगा या डी होगा, अब बोलो जल्दी बोले बेटा फटाफट से। देखो सब के सब सी के पीछे पड़ गए हैं, सब के सब सी के पीछे पड़ गए हैं। मैंने डी गलत कर दिया। लो तिल चट्टा, तिल चट्टी से कौन सी बीमारी होगी मेरे भाई? डी भी मैंने गलत कर दिया, वो तो सब गलत हो गए। तुम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, एक ही ऑप्शन बचा है, कौन सा? मच्छर, मॉस्किटो के काटने से भी ब्रेन फीवर हो जाता है भाई साहब। मच्छरों से बचना, मच्छरों को हल्के में ले रहे हो तुम, मच्छर तुम्हें निपोड़ सकते हैं, यानी निपटा सकते हैं, है ना, मच्छर आपको निपटा सकते हैं मेरे भाई। बोले भाई साहब फटाफट क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बेटा फटाफट से बताना। हमें नहीं पता, नहीं पता तो कोई बात नहीं बेटा, हमने तो बता दिया। चले बोले नेक्स्ट आंसर। बोले मैग्रोव वे पेड़ हैं जिनमें होता है, मैग्रोव आर प्लांट्स दैट हैव। देखो मैग्रोव कैसे पेड़ होते हैं, ध्यान से सुनना। हाँ जी बोले बेटा, रूपांतरित जड़ें, रूपांतरित तने, श्वसन करने वाली जड़ें, श्वसन करने वाले तने। तो भाई साहब एक पेड़ होता है, और पेड़ के कीचड़ में आपने देखा होगा ना, कभी कभी कीचड़ में ऐसी जड़ें जैसी निकली होती हैं, जड़ी जैसे निकली होती है कीचड़ में ये पौधा अधिक। हाँ जी बोले
वो तो सर रोज काटते हैं मच्छर, कोई बात नहीं बंस, अब की बार तुम मच्छर को काट लेना, बराबर है साहब बराबर, ईंट का जवाब पत्थर से देना है ना। चले बोले बेटा, अब बताओ जो कीचड़ में ऐसी जड़ें निकली रहती हैं बाहर, ये किस लिए निकली रहती हैं बेटा? ये रेस्पायरेशन के लिए निकली रहती हैं। किसके लिए निकली रहती हैं? रेस्पायरेशन के लिए, यानी कि श्वसन के लिए। किसके लिए बेटा? श्वसन के लिए। तो फटाफट से इसमें से श्वसन का कौन सा हो जाएगा बेटा? श्वसन करने वाली जड़ें। एग्जैक्ट बेटा, सी आंसर जिन्होंने दिया है उनका आंसर सही है। सी 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 सी, राखी स्टूडियो भी आ गए हैं सी, बिल्कुल। जय हिंद जय हिंद सभी को बेटा, है ना। चले आगे आ जाओ, क्या लिखा है बेटा? रोडेशिया स्किउरस का वैज्ञानिक नाम है। रोडेंसिया स्क्यूरस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ किसका? चूहे का, प्लेटिपस का, ग्लैरी का, बीवर का? फटाफट से बताना बेटा किसका नाम है। चूहे का तो नहीं हो सकता, चूहे का तो बेटा रेटस होता है, प्लेटिपस का होता है और ऑर्निथो रेंथिकस एंटिनस, इतना खतरनाक नाम है बेटा, रटना पड़ेंगे है ना। और बीवर का होता है कास्टर, बीवर का होता है कास्टर, बीवर का मैंने आपको बता दिया, बीवर का हो गया कास्टर, बीवर का हो गया क्या बेटा? कास्टर। रेट का हो गया बेटा रेटस। तो दो ही ऑप्शन बच रहे हैं, या तो ग्लैरी बच रही है या प्लेटिपस। तो प्लेटिपस का मैंने अभी आपको बताया कि प्लेटिपस का क्या होता है, तो आपको बोलना है ऑर्निथोरेन्थिकस एंथिनस, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। इतने खतरनाक नाम मत बोलना बेटा, ग्लैरी का ये साइंटिफिक नेम दिया गया है ना, रोडेंसिया स्क्यूरस। चलो 22 में आ जाओ, 22 में आ जाओ, क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन ओकोजीन द्वारा प्रेरित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंड्यूस्ड बाय ओन्कोजीन? तो भाई साहब ओन्कोजीन किसमें मैंने पढ़ाया था, याद करो आपको ओन्कोजीन किसके लिए पढ़ाया था जब बीमारियां पढ़ा रहा था तब। है ना, ऑन्कोजीन किसमें पढ़ाया था बेटा? फटाफट से बताना है जरा। बी 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 किसने लगाया? वंश सिसोदिया ने बी लगाया है। शालिनी, जैसे किसी मिसाइल का नाम हो। हाँ सही बात है बेटा, ए लगाया है मनसी ने जो गलत है, वंश ने बी लगाया है। हाँ जी बेटा, ए जिन्होंने लगाया उनका गलत है, ऋतिक ने भी ये लगाया है गलत है भाई साहब, बी है। क्या है बेटा? बी। देखो ध्यान से सुनो, ऑन्कोजीन की बात कर रहा है तो स्टडी ऑफ कैंसर को पता क्या बोला जाता है? स्टडी ऑफ कैंसर, स्टडी ऑफ कैंसर, स्टडी ऑफ कैंसर को बोला जाता है बेटा ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी। और इसमें कैंसर को करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन होता है वो होता है ऑन्कोजीन। कौन सा होता है बेटा? ऑन्कोजीन होता है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? हाँ जी आंसर कौन सा हो जाएगा भाई साहब? कैंसर। चले बोले, ये देखो छठवां आपका साइंटिफिक नेम के लिए छठवां क्वेश्चन आया है। साइंटिफिक नेम से कितने क्वेश्चन आते हैं, अगर कोई एसएससी का एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए तो बहुत ही खतरनाक है। अब अपने हिसाब से पढ़ लो। अजादिरा कटा इंडिका, खालिस्तान वैज्ञानिक नाम है। अजादिरा कटा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नीम, टीक, सिल्वर ओक, तुलसी। बोले बेटा सागौन का तो आपको पता ही था कि सागौन का क्या है, सबसे पहले आया था, सबसे पहले क्वेश्चन में सागौन आया था, तो सागौन का तो हो नहीं सकता क्योंकि सागौन में इतना बड़ा बड़ा नाम नहीं आया था। दूसरा आ जाओ, अगर आपसे पूछे कि सिल्वर ओक है ना, तो सिल्वर ओक का होता है ग्रेवेलिया रोबस्टिका, है ना, ग्रेवेलिया होता है, रोबस्टा होता है, यह है एक का ऑस्ट्रेलिया का पौधा होता है बेटा। और फिर अगर आपसे तुलसी पूछे तो तुलसी का होता है ओसीमम, तुलसी का होता है ओसीमम। हाँ जी बेटा, नीम का जिसने सही दिया है वो सही है, नीम का नाम होता है बेटा, है ना, नीम का, इंडिका से नीम, याद रखे रहना। ठीक है बेटा, हाँ जी, ए ए ए ए बेटा तुलसी का ओसीमम है, तुलसी जिन्होंने लगाया है ना, नीरज पवार जी, पनवार, पूजा पवार, हाँ जिन्होंने ए लगाया उनका सबका सही है। चले बोले, ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? बता दें भैया, ऑक्टोपस किसके अंतर्गत आता है? ऑक्टोपस बिलोंग टू द फाइलम, कौन से फाइलम को बिलोंग करता है ऑक्टोपस? याद होना चाहिए, कितने पांव होते हैं? 8 पांव होते हैं। ऑक्टोपस का खून कैसा होता है? ऑक्टोपस का ब्लड कैसा होता है जरा बताना कोई, ऑक्टोपस का ब्लड कैसा होता है?
ऑक्टोपस का ब्लड कैसा होता है जरा बताओ बेटा। इसका आंसर, एक तो नाम जानकर क्या करोगे, बोल रहा है काला। पूजा पवार बोल रही है ब्लू। हाँ जी, और बोले कोई, और है कोई? एक आंसर सही आया बेटा अभी, ए, वंश सिंह सिसोदिया का, वंश सिंह सिसोदिया का चालनी का हो गया हरा और एक का हो गया नीला। अच्छा, तुम लोग के हिंट के लिए बोल रहा हूँ, हिमोसाइनिन के कारण होता है मोलस्का में रंग, ब्लड में, मोलस्का के ब्लड का रंग हिमोसाइनिन के कारण होता है, और हिमोसाइनिन कैसा रंग देता है ये तुमको पता होना चाहिए। चीख चीख के क्लास में पढ़ा। एक दो और तीन ये आंसर गलत हैं, जिन्होंने ए दिया है ना मोलस्का, है ना, मोलस्का के अंतर्गत आता है। कौन सा होता है बेटा मोलस्का के अंतर्गत आता है? अंशु शुक्ला का आ गया वाइट। और बोले भाई साहब किसी का और कोई कैसा ब्लड है, और कोई है? किसी का पीला हीला नहीं आया आंसर। क्या लिखा है? जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को खालिस्थान कहते हैं। लिविंग पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट इज नन एज। लिविंग की बात कर रहा है भाई साहब, लिविंग की बात कर रहा है। ठीक है बेटा, आगे आंसर दो इसका। लिविंग पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट इज द नन एज। लिविंग की बात कर रहा है, वो जिंदा की बात कर रहा है, तो जिंदा को क्या बोलेंगे? एबायोटिक फैक्टर तो बोल नहीं सकते, तो मरे हुए के लिए बोलते हैं एबायोटिक। हैबिटेट तो उसके रहने के लिए बोलते हैं, जिंदा रहने का तो कोई नहीं है। आजीवित कारक हो नहीं सकता क्योंकि लिविंग की बात कर रहा है, नॉन लिविंग हो ही नहीं सकता, तो एक ही बच रहा है बेटा, बायोटिक फैक्टर। कौन सा बच रहा है भाई साहब? बायोटिक फैक्टर। हाँ, बायोटिक फैक्टर बिल्कुल। जिन्होंने सी आंसर दिया है उन सबका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, 26 का बताएं बेटा इसको, 26 को आंसर बताना जरा, 26 का आंसर बताना। ठीक है बेटा, ओके। सी 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 ओके। बायोटिक 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 बिल्कुल सही है। इसका आंसर बोले, चले बोले बेटा इसका आंसर। मेडुला ऑब्लिंगाटा निम्न से किसका अंग है, किसका हिस्सा है? मेडुला ऑब्लिंगाटा इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किसका पार्ट है मेडुला ऑब्लिंगाटा, किसका पार्ट है? आपके सामने चार दिए गए हैं। हाँ जी, देखो देखो कितने तुम लोग कितने होशियार हो, कितने होशियार हो। मेडुला ऑब्लिंगाटा की ब्रेन का पार्ट है। हाँ जी भैया, बहुत सही है ना। किसका पार्ट है भाई साहब? ब्रेन का पार्ट है, ये सबसे पीछे वाला, ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग मेडुला ऑब्लिंगाटा होता है, सबसे लास्ट में ना, ये वाला। तुम लोग इधर मत लगाना, ये वाला मेडुला ऑब्लिंगाटा। 27 में आ जाओ, क्या लिखा है? 27, हाँ जी, ब्रेन 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 ब्रेन, इसमें सबका सही है बेटा। अंजना सबका सही है। एक आमतौर पर एक कोशिकीय प्रजनन में समक्ष इकाई है जो यौन संलयन के बिना एक नई इकाई को जन्म देती है ना। देखो वो ये बोल रहा है बेटा, विदाउट सेक्सुअल के, विदाउट सेक्सुअल के कौन सी नई प्रजाति को डेवलप कर सकता है? सीधी सी बात, सेक्सुअल में हो ही नहीं रहा है, तो सेक्सुअल में भैया एग सेल और स्पर्म का काम होता है, तो ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होते क्योंकि ये तो दोनों सेक्सुअल में होते हैं, तो एग और स्पर्म तो बेटा गलत हो जाएगा, सीधा सीधा गलत हो जाएगा, सीधा सीधा गलत हो जाएगा। हाँ जी बेटा, अब आपके सामने दो ऑप्शन बचे हैं, एक बचा है बीजाणु यानी कि स्पोर, और दूसरा बचा है बीज। तो भाई साहब बीज भी तो आपका जब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर का जब आपस में फर्टिलाइजेशन होता है तब होता है, तो फिर सीड भी नहीं हो सकता, तो बच क्या रहा है बेटा आपके पास? तो बच रहा है आपके पास क्या? बीजाणु यानी कि स्पोर। स्पोर में बेटा आपका कोई भी सेक्सुअल रिलेशन नहीं होता। हाँ जी, कोई भी सेक्सुअल रिलेशन नहीं होता यानी कि उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी क्या नहीं होता है बेटा, यौन संलयन नहीं होता है, यौन संलयन नहीं होता है ना। चले 28 में आ जाओ। बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? अगर ये नहीं बन रहा है तो कुछ नहीं बनेगा फिर। बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी भाई साहब? आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, दूसरा है बेलारूस, तीसरा है हुगो डी ब्रिज या हुगो डी राइस, और है रॉबर्ट ब्राउन। इसका आंसर बोले बेटा। हाँ जी,
बोले बेटा इसका आंसर फटाफट से ए ए ए ए ए ए ए बी कौन दे रहा भाई, ए डी कौन दे रहा, अंशु शुक्ला जी। अंशु शुक्ला डी कैसे हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने तो केंद्रक की कोच की थी भैया, नाम जानकर क्या करोगे, इनका भी डी आंसर है भाई साहब। डी अगर आ जाएगा तो डी में केंद्रक की कोच की थी इन्होंने, है ना। देखो रॉबर्ट ब्राउन की बात करें, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी बेटा, केंद्रक की, है ना, केंद्रक की। तो अगर एंटोनी लीवनहॉक की बात करें, ओ सिट बेटा सॉरी, है ना, एंटोनी लीवनहॉक ने क्या किया था बेटा, दो तीन चीजों की खोज की थी। एक तो इन्होंने आरबीसी की खोज की थी, है ना, एक दूसरा बेटा इन्होंने जिंदा सेल यानी लिविंग सेल की खोज की थी, जिंदा सेल की। और तीसरी इन्होंने बेटा बैक्टीरिया की खोज की थी, थी किसकी की थी बेटा, बैक्टीरिया की। इन तीनों की खोज बेटा किसने की थी, एंटोनी वैन लीवेनहॉक ने। इसलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है लीवेनहॉक को। हाँ जी बेटा ठीक है, जिन्होंने ए आंसर दिया है बहुत शानदार, सही आंसर है। चले क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन कृमि खाद के लिए जिम्मेदार है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्मी कंपोस्ट। कृमि खाद का मतलब होता है बेटा केचुआ खाद, कृमि खाद का मतलब होता है केचुआ खाद, है ना। केचुआ खाद के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है, आपका पहला ऑप्शन है कवक यानी कि फंगस, दूसरा है कृमि यानी वॉर्म्स, तीसरा है बैक्टीरिया, है ना, और फोर्थ है, हाँ जी कुणाल अवधिया, जय हिंद जय हिंद बेटे। फिर आप लास्ट में क्या है, पक्षी यानी बर्ड। तो भाई साहब बताना जरा इनमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा। हाँ जी ठीक है, ठीक है बेटा, जिन्होंने लाइक नहीं किया है बेटा फटाफट से लाइक कर दो, है ना, जिन्होंने लाइक नहीं किया है फटाफट से क्या कर देना है, अपने को लाइक कर देना है। हाँ जी बेटा ठीक है, वॉर्म्स, वॉर्म्स का मतलब होता है बेटा कृमि, और कृमि मतलब होता है केचुआ, है ना। तो अपन इसका अगर दूसरा नाम ऐसे लिख देते ना, उसने फंसाने के लिए बेटा ये नाम लिखा है, दूसरा नाम होता है बेटा अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म मतलब केचुआ, है ना। तो उन्होंने वॉर्म बोल दे चाहे अर्थवॉर्म बोल दे, केचुआ की बात कर रहा है। और सबसे अच्छा केचुआ कौन सा होता है केचुआ खाद बनाने के लिए, तो आपको बोलना है आइसिनिया फेडिटा, आइसिनिया फेडिटा, आइसिनिया फेडिटा एक ऐसा केचुआ होता है जो सबसे अच्छा माना जाता है केचुआ खाद के लिए। हाँ जी बी बी ठीक है बेटा, एग्जैक्ट बेटा, शानदार है ना। चलें आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है, आंसर बोले इसका, आंसर बोले इसका, आंसर बोले इसका, आंसर बोलना जरा। स्कर्वी यानी मसूड़ों में खून आना किस विटामिन की कमी के कारण होता है। स्कर्वी ब्लीडिंग ऑफ गम्स इज अ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, विटामिन के, विटामिन बी जेड, विटामिन सी, विटामिन ए, कौन सा विटामिन सी, इनकी भी वैरायटी आती है क्या। बिल्कुल अंशु शुक्ला आती है, इनकी भी वैरायटी आती है, केचुओं की भी अपनी अपनी फैमिली है ना, वहां भी होते हैं, कोई शुक्ला जी होंगे, कोई ठाकुर साहब होंगे, कोई बुंदेला जी होंगे, है ना, केचुओं की भी तो वैरायटी होगी भाई, उनकी भी तो जाति प्रजाति होगी। हाँ जी सी 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 सी, विटामिन 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 सी, क्या बात है। ठीक है बेटा, सबका आंसर सही है, जानदार शानदार। और आज का आपका क्वेश्चन लास्ट का क्वेश्चन है, थैंक यू जय हिंद, थैंक यू जय हिंद। आज का देखो बेटा टाइम से हो गया है ना, एक घंटे में ही हो गया। चले बेटा नाम जानकर क्या करोगे, सर जी शायरी, हाँ जी ठीक है, आज तो शायरी में मज़ा आना चाहिए, ठीक है आज शायरी में भयंकर मज़ा आएगा, झोला भर भर के मज़ा आएगा, है ना बेटा। सुनना बेटा ध्यान से, है ना, ठीक है। इरशाद, इरशाद लव यू टू ऑल विष्णु दांगी, लव यू टू ऑल बेटा, ट्रक भर भर के बधाइयाँ। हाँ जी बेटा ध्यान से सुनना है ना, नजरों के, हाँ जी हाँ जी, नजरों से नजरों के घाव बड़े गहरे होते हैं, नजरों से नजरों के घाव बड़े गहरे होते हैं, धोखा खाने वाले लोग बड़े सहमे होते हैं,
नजरों से नजरों के घाव बड़े गहरे होते हैं, धोखा खाने वाले लोग बड़े सहमे होते हैं। लोग तो यूं ही बदनाम करते हैं बदसूरतों को, लोग तो यूं ही बदनाम करते हैं बदसूरतों को, बर्बाद करने वाले तो हसीन चेहरे होते हैं। हाँ जी बेटा, चले तब तक के लिए मिलते हैं कल इसी टाइम पे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। वाह वाह, ठीक है बेटा, चल मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोगों मौज करो, घर में रहना बेटा, है ना, घर में रहना, बाहर मत निकलना, हाथ धोते रहो, सैनिटाइजर का उपयोग करते रहो, मास्क लगाते रहो, है ना। बाहर बिल्कुल तभी निकलना जब बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी काम हो, अन्यथा किसी काम के लिए बेटा बाहर मत निकलना, घर में रह के अपनी पढ़ाई करो। क्योंकि आपके कोरोना वायरस का डबल म्यूटेंट और ट्रिपल म्यूटेंट भी अब अपने भारत में दस्तक दे चुका है, पश्चिम बंगाल में, है ना। पश्चिम बंगाल में बेटा कुछ ऐसे डॉक्टर पॉजिटिव हो गए हैं जिनको डबल डोजेस वैक्सीन की लग चुकी हैं, तो थर्ड म्यूटेंट भी आ चुका है, इसलिए बोल रहे हैं बेटा। हाँ जी, जय हिंद सभी को, है ना। तो बच के रहो बेटा, बच के रहोगे, मास्क लगा के रहोगे, कुछ नहीं होगा, स्वस्थ रहो, विटामिन सी की टेबलेट खाते रहो, विटामिन सी को ज्यादा से ज्यादा लेते रहो, दिक्कत नहीं होगी, है ना बेटा, विटामिन सी लेते रहो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय हिंद।